बहू शादी के बाद घर में दोस्त आए तो अच्छा नहीं लगता। क्या तरीका है बहू, यह सब तुम्हारे घर पर चलता होगा, हमारे यहाँ तो नहीं चलता। कह देना अपने दोस्त से यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं। मम्मी जी, वो मेरे बचपन का दोस्त है, इतनी दूर आया है तो सोचा मुझे मिल लेगा। तो हम क्या करें, आसपास के लोग को और अपने रिश्तेदारों को क्या जवाब देंगे, कोई गैर लड़का मेरी बहू का मिलने आया है। बहू शर्म करो। लेकिन मम्मी जी, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मुझे नहीं सुनना, बस कह दिया ना तो कह दिया अपने दोस्त से यहाँ आने को कोई जरूरत नहीं, कोई रिश्तेदार को तो समझ में भी नहीं आया। पर नहीं, ये आजकल के चोचले लड़कों को दोस्त बना रखा है। निर्मला जी का बड़बड़ाना यूं ही जारी रहा और निधि चुपचाप आंखों में आंसू लिए सुनती रही। भारी मन से उसे अपने दोस्त विजय को फोन किया कि उसकी कोई काम आ गया है, इसलिए वह नहीं मिल पाएगी। पर कहते हैं ना, दोस्त वही जो दिल की बात समझ जाए। अब विजय भी समझ चुका था, इसलिए उसे बात को बढ़ाना नहीं और फिर भी कभी मिलेंगे कहकर फोन रख दिया। पर निधि को बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि यहाँ खुले बिचारे वाले परिवार जैसे ही अक्सर वो लोग अपने आप को बताते हैं, आखिर इतनी भद्दी सोच रख सकते हैं। निधि की रोहित से 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। रोहित के परिवार में उसके माँ निर्मला जी, पिता अरविंद जी और छोटा भाई सुजल है। कहने को तो यह परिवार बहुत ही खुले विचारों का है, पर आज उन खुले विचारों का पोल खुल गया जब निधि के बचपन के दोस्त का फोन आया कि वह किसी जरूरी काम से जयपुर आया हुआ है और उसे मिलना चाहता है। हालांकि यह सुनकर रोहित ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे से सब कुछ बयां कर दिया कि वह भी इस बात से नाराज है। निर्मला जी ने इतना कुछ सुना दिया। इस बात को कुछ बीते ही होंगे कि रोहित की बचपन की दोस्त सुमेघा उससे मिलने आई। उसे देखा रोहित बहुत खुश हुआ, यहाँ तक कि उसने ऑफिस से छुट्टी तक ले ली। सुमेघा और रोहित बचपन में साथ ही स्कूल में पढ़ते थे और पड़ोसी थे, लेकिन सुमेघा के पापा को बिजनेस में नुकसान हो जाने के कारण वो लोग अहमदाबाद शिफ्ट हो गए थे। सुमेघा को देखकर निर्मला जी बेहद खुश थी। निधि को सुमेघा को कोई परेशानी न थी, लेकिन निर्मला जी की बातें याद करके उसका दिल दुख ही रहा था। निधि ने चाय नाश्ता तैयार किया और लेकर पहुंच गई हॉल में, जहां सब लोग बैठकर बतिया रहे थे। निधि को देखकर सुमेघा ने कहा, अरे वाह रोहित, तुम्हारी बीवी की तो सर्विस बहुत फास्ट है, इतना जल्दी चाय नाश्ता बना कर ले आई। रोहित ने कुछ कहने से पहले ही निधि ने जवाब दिया, अब नंद रानी इतनी दूर से आई है तो इतना तो बनता है। अरे निधि, मैं रोहित की फ्रेंड हूँ, उसकी सिस्टर नहीं। रोहित, तुमने निधि को बताया नहीं? सुमेघा ने हंसकर कहा, ये क्या होता है, क्या मतलब वही फ्रेंड क्या होता है? निधि, क्या बकवास कर रही हो तुम? अब निर्मला जी ने गुस्से में कहा, जी मम्मी जी, मैं सिर्फ यही पूछ रही हूँ कि भला रोहित जी और सुमेघा फ्रेंड कैसे हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते जी? वह दरअसल आपके मुताबिक यह तो नए जमाने की चोचले हैं, भला एक लड़का लड़की फ्रेंड कैसे हो सकते हैं? आप ही तो उस दिन समझा रही थी मुझे कि आपके घर में तो यह सब चलता नहीं, फिर ये सब कैसे? यह नया नियम सिर्फ मेरे लिए बनाया गया था। उसकी बात सुनकर रोहित और निर्मला जी दोनों चुप हो गए, कुछ भी नहीं कहा और नतीजा कुछ नहीं निकला, लेकिन निधि के मन की भड़ास निकल गई थी। हालांकि बाद में निर्मला जी ने अच्छी खासी डांट और लगाई, लेकिन अब ये दोस्त मायके तक ही सीमित हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा और देखते रहिए कोमल मोटिवेशनल 2.0।